एवरीबडीज, तो आज मैंने ना मीशो से कुछ सामान मंगाया था, अभी सेल चल रही है ना दिवाली की, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। मेरी ये पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो कुछ भी अगर गलत हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखने की कृपा करना, ओके? सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। ये मैंने मंगाया है कमरबंद, जो मैं साड़ी पे भी पहन सकती हूँ और मैं ड्रेस पे भी पहन सकती हूँ। और इसके साथ इन्होंने इयररिंग्स फ्री दिए हैं, ये तो मैंने मंगाए नहीं थे, तो फ्री आए हैं। पहले फ्री वाला आइटम खोल लेते हैं। ओ सिंपल से ऐसे वाले इयररिंग्स हैं, ये देखो, ऑफिस पहन के जा सकते हैं इसको, क्यूट। फ्री की चीज़ें किसी बुरी नहीं दिखती। फिर अब ये देखो, ये है कमरबंद, बहुत ही हल्का सा छोटू सा कमरबंद है। मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊंगी इसको, रुक जाओ एक मिनट रुको। ये देखो, ओ भाई तो पहले ही उलझ गया, ये नहीं खुल गया। हाँ नाइस। ये बेसिकली मैंने इसलिए मंगाया है कि हम इसको साड़ी पे भी पहन सकते हैं और ड्रेस पे भी पहन सकते हैं, और इसमें गांठ लग चुकी है। कैसे खुलेगी, ऐसे ही देख लो यार, गांठ लग गई है, बाद में खोलूंगी इसको। थोड़ा पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो इसमें सिर्फ ये स्टोन्स है, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। अभी तो मैं मांग के भी दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट ये बहुत प्यारा लगेगा। इसको हम ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकते हैं। चलो इसको कैसे पहनना है वो बाद में देखेंगे। तो ये मैंने मंगाया है, इसका प्राइस और जो जैसे ये मीशो पे दिख रहा था उसकी मैं फोटो अटैच कर दूंगी, प्राइस क्योंकि मुझे याद नहीं है, ठीक है? चलो लेट्स गो विद नेक्स्ट आइटम। हाँ ये मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, तो ये देख लो, ये मंगाया मैंने नेकलेस। एक्चुअली ना कुछ शादियाँ आ रही हैं, फेस्टिव सीजन भी है, तो मैंने दो तीन चीज़ें मंगा ली हैं कि यार काम ही आ जाएगी। ये देखो मेरे छोटे से गले पे ये ऐसे बंद जाएगा। दिस इज अ चोकर नेकलेस, ठीक है? ये भी बहुत सस्ता था, आई थिंक ये अंडर 100 था, तो मैंने मंगा लिया। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो काम ही आ जाएगा, पहन लूंगी, अच्छा भी है, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, बस अभी टूट जाता। और इसके साथ ये दो इयररिंग्स भी आए हैं, सही है यार, 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कपड़े हैं, कोई कपड़ा ना कट जाए इस अनबॉक्सिंग में, इस बात का डर है कि अगर मुझे रिटर्न करना हो फिर मैं कैसे करूँगी। तो ये मैंने मंगाया एक सूट, और इसको मैं दिखाती हूँ आपको, एम साइज, मैंने एम ही मंगाया था, कैसे मंगाया था मैं भूल चुकी हूँ। ये है ये कपड़ा, तो अच्छा है ये, मतलब जैसे जैसा मैं पहनती हूँ वैसा है, इट्स नॉट प्योर कॉटन, आई थिंक इसको जॉर्जेट कहते हैं, जॉर्जेट ही है। इसके साथ ही पजामी भी आई है, ये पजामी है, एंड ये है कुर्ता। सो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ, आई थिंक ये मेरे थोड़े बड़ा है, बट रुको आप एक। तो ये है कुर्ता, हल्का सा लूज है, इसे थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। बाकी इसकी पजामी भी ठीक है, हल्की सी लूज है, वो भी थोड़ी सी फिटिंग करानी पड़ेगी, और बाकी तो मुझे सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहन सकते हैं, ऑफिस भी पहन के जा सकते हैं, एंड छोटा मोटा मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर सकते हैं इसे पहन के, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है, मैंने इसलिए ग्रीन मंगाया था। तो नेक्स्ट आइटम है ये ब्लाउज, इसको खोल के दिखाती हूँ मैं। कोई ऐसे सामान काट के देने वाला होना चाहिए, तब थोड़ी ईजीली बन जाएगी वाली वीडियो, अभी थोड़ी सी मेहनत लग रही है। दिस इज द ब्लाउज, आई थिंक इसमें मेरे को फिटिंग की जरूरत पड़ेगी,
को अभी हम ट्राई करेंगे, बट साड़ी के ये है लास्ट आइटम जो मैंने मंगाया है, ये है साड़ी। इसी साड़ी के साथ मैंने वो ब्लाउज मंगाया है, क्योंकि ये मुझे पहननी है दिवाली पे ऑफिस में, क्योंकि ये मुझे पहननी है दिवाली पे ऑफिस में और मेरे पास टाइम नहीं है ब्लाउज स्टिच करवाने का, इसलिए मैंने ब्लाउज भी मंगा दिया। अभी रुको दिखाती हूँ, पहन के दिखा दूंगी, रुक जाओ। ओह माय गॉड, रॉयल ब्लू कलर। मेरे पास ब्लू कलर की एक साड़ी थी बट वो नेवी ब्लू कलर की थी, तो मैंने सोचा रॉयल ब्लू ट्राई करते हैं। एंड ये है बनारसी सिल्क साड़ी। सो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, बट इसमें से एक छिनछुन आवाज़ क्यों आ रही है भाई? ओ क्योंकि इसमें बटर पेपर है इसलिए छिनछुन आवाज़ आ रही थी, मन का ये अजीब सी आवाज़ क्यों कर रहा है। ओके ओके, ये है इसका ब्लाउज पीस। ओ भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा ब्लाउज पीस नहीं है, चार लोगों का ब्लाउज बन जाएगा क्या इसमें? बट पता नहीं, ठीक है ओके। साड़ी का पल्ला दिखा देती हूँ आप लोगों को, मिस इज द पल्लू इज द भाई सही हुई है। ओ सुंदर लगूंगी मैं तो, चलो पहन के दिखाती हूँ मैं ब्लाउज के साथ से लपेट। सो या साड़ी, माय गॉड, मैंने बस ऐसी लपेट ली है, कोई बांधी बांधी नहीं है अभी, बहुत सही से, और ब्लाउज की फिटिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी आई है। तो यार ये कलर में भी कितना अच्छा लग रहा है, माय गॉड। तो दिस इज द परचेज जो मैंने मीशो से ख़रीदी है। तो अगर आपको भी साड़ी लेनी है, ये भी सस्ती सी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, मतलब मीशो से अगर ख़रीद रहे हो तो महंगे लेने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा परचेज जो भी मैंने किया है, और जो भी मैंने सामान ख़रीदा है उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो वो आप जाके ले सकते हैं। एंड माय गॉड पल्लू गिर गया मेरा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। चलो हम मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज चुपकर हैप्पी। बाय बाय।